नमस्कार, मैं दीक्षा सिंह बोल्सकाई में आपका स्वागत है। एकादशी व्रत का नियम दशमी से द्वादशी तक चलता है। द्वादशी को पारण करते समय चावल जरूर खाना चाहिए। तामसिक चीजों का पारण में भूलकर भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु के निमित्त रखा जाता है। हर मास में एकादशी आती है और मास के अनुसार एकादशी व्रत का महात्म्य भी बढ़ जाता है। इस बार विजया एकादशी 26 फरवरी को है। ऐसे में हम आपको बताते हैं कि विजया एकादशी के व्रत पारण का शुभ मुहूर्त क्या है। 26 फरवरी को विजया एकादशी का व्रत करने वालों के लिए पारण अगले दिन 27 फरवरी को दोपहर 1:43 से लेकर शाम को 4:01 के बीच पारण कर व्रत को पूरा करने का शुभ मुहूर्त है। भगवान विष्णु को तुलसी बेहद प्रिय है। एकादशी व्रत के पारण के लिए आप भी तुलसी पत्र को अपने मुख में डालकर व्रत का पारण कर सकते हैं। आंवले के पेड़ पर भगवान विष्णु का वास होता है। एकादशी व्रत का पारण आंवला खाकर करने से अखंड सौभाग्य, आरोग्य और संतान सुख की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण पर चावल जरूर खाना चाहिए। एकादशी व्रत के दिन चावल खाना मना होता है, लेकिन द्वादशी के दिन चावल खाना उत्तम माना जाता है। सेम की सब्जी को कफ और पित्त नाशक माना जाता है और व्रत पारण के लिहाज से भी यह उत्तम माना गया है। व्रत पारण में जो भी भोजन पकाया जाता है उसमें घी का प्रयोग करना चाहिए। गाय के घी का शुद्ध प्रयोग करके व्रत के पारण का भोजन बनाना चाहिए। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जिनका प्रयोग पारण करते समय भूल कर भी नहीं करना चाहिए। मूली, बैगन, साग, मसूर दाल, लहसुन, प्याज आदि का पारण में प्रयोग निषेध है।